हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं तो इस सीरीज में हम हमारे जो इंडियन पॉलिटी है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस भी हमारे जो वन लाइनर फॉर्म में ही होंगे जैसे कि हम हिस्ट्री के क्वेश्चन और एग्रीकल्चर की बुक जो हमारी कंपटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नेमराज हुंडा है तो जैसे उसके हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसी तरीके से इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन भी हम वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस करेंगे तो वैसे ही हर वीडियो में फिफ्टी क्वेश्चन होंगे ओके okay? तो ये वीडियो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है जिसमें इंडियन पॉलिटी उसका पार्ट हो सिलेबस का तो और आई होप कि ये भी जो सीरीज़ है हमारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और अगर अच्छी लग रही है वीडियोस और कोई भी आपका डाउट रहे तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं ओके okay? तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो ये हमारा पार्ट नंबर वन है और क्वेश्चन नंबर एक से हम आज स्टार्ट करेंगे ओके okay? देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन वेर डू वी फाइंड द आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन दी कॉन्स्टिट्यूशन तो जो आइडिया है इंडियन डेमोक्रेसी का वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे देखने को मिलता है द आंसर इज इन प्रीएम्बल ओके दी प्रीएम्बल प्रीएम्बल में जो मेंशन किया गया है उसमें उस वो अपनी को पढ़ के ही हमें पता चल जाता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड तो सबसे पहले कब हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली सबसे पहले कब बनाई गई थी तो इसका आंसर आएगा 1920 में ओके नाइनटीन ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया को किस तरह से डिस्क्राइब करता है द आंसर इज इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स ओके तो ये हमारा इंडिया जो है वो यूनियन है स्टेट्स की नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज़ ए स्पेशल स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ तो रूल ऑफ लॉ जो है वो uh, जो है वो कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट uh, फीचर है दैट इज़ इन ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो वहाँ से लिया गया है रूल ऑफ लॉ नेक्स्ट क्वेश्चन द मैथड ऑफ अमेंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन बाई पॉपुलर विटो इज फाउंड इन ओके तो विटो पावर कहाँ पर है द आंसर इज इन स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन तो वहाँ से ये विटो पावर जो है उसका कॉन्सेप्ट लिया गया है तो फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चंस रहेंगे हम इसमें इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें बहुत से पॉइंट्स होते हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं लेकिन ये वीडियो हम इस तरीके से बता बना रहे हैं कि जो आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगी ओके तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर देखेंगे ओके और अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए क्वेश्चंस का तो उसके लिए अलग से हम वीडियो बना सकते हैं आप हमें टॉपिक बना बता दीजिए इसी वीडियो को कम कमेंट बॉक्स में तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो वीडियोज़ प्रोवाइड कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज इन आर्टिकल फोर्टीन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बॉर्ड फ्रॉम तो जो पहले हमने देखा रूल ऑफ लॉ अभी हम देख रहे हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ ओके तो ये कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से लिया गया है

दी आंसर इज़ डेमोक्रेटिक तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होता है कि हर इंसान को यहाँ पे जो अट्ठारह साल से ऊपर की एज का है उसको वोटिंग का अधिकार है और ये ही जो फीचर है ये डिस्क्राइब करता है कि इंडिया है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोक्रेसी मीन्स ऑटोक्रेसी क्या होती है एबसल्यूट रूल बाय वन तो जहाँ जिस कंट्री में सिर्फ एक ही बंदे का रूल चलता है तो उसको हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है द आंसर इज द किंग एक्सरसाइज पावर ग्रांटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन तो वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है उसको कौन किसके हाथ में होती है वो पावर दैट इज़ इन दी हैंड ऑफ किंग तो राजा के हाथ में होती है जैसे कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज पॉपुलर सोवरिटी ओके पॉपुलर सोवरिटी क्या है सोवरिटी ऑफ द पीपल ठीक है सोवेनिटी ऑफ़ द पीपल नेक्स्ट क्वेश्चन दी आइडिया ऑफ पार्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडोप्टड फ्रॉम तो आइडिया जो है पार्लिमेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आइडिया कहाँ से लिया गया है द आंसर इज़ फ्रॉम यूके ओके यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है पार्लिमेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आइडिया नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रपोज दजेशन फॉर ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट इन 1935 तो किसने प्रपोज किया था कि एक कॉन्टीटेंट असम्बली होनी चाहिए तो 1935 में जो प्रपोज किया गया था बाय एम एन रॉय ओके एम एन रॉय ने पहले आइडिया दिया था ये नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द कंट्री फ्राम विच द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचरस ऑफ प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट वॉज बोर्ड बाई इंडिया तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो वो कहाँ से लिया गया है दी आंसर इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका ओके साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच कंट्री इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बॉर्ड द फीचर द रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो एक रिटर्न में होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ये फीचर कहाँ से लिया गया है दैट इज फ्रॉम यू एस ए नेक्स्ट क्वेश्चन बाई विच एक्ट द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट देंटर तो वो कौन सा एक्ट था जिसके अंडर जो सेंटर सेंटर लेवल पे ओके okay, सेंट्रल लेवल पे यूनियन लेवल पे डाईआर की इंट्रोड्यूस की गई थी दी आंसर इज 1935 ओके okay, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इंडिया की वो कब उसने अपना काम शुरू किया दी आंसर इज़ इन 1946 तो 1946 में उसने अपना काम शुरू कर दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स वो कौन सा एक्ट था जिसके अंदर जो सेपरेट uh, इलेक्टोरेट्स मतलब जो uh, अलग सीट्स सिर्फ मुस्लिम्स के लिए वो इंट्रोड्यूस की गई थी जिसको कम्यूनल रिप्रजेंटेशन भी बोलते हैं दैट द आंसर इज़ नाइनटीन जीरो नाइन तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस सौ नौ का एक्ट में ये ए, जो है इंट्रोड्यूस किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया तो इंडिया में हम कौन सी डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं दैट इज़ रिप्रजेंटेटिव डेमोक्रेसी तो यहाँ पे हम अपने रिप्रजेंटेटिव आगे भेजते हैं जो कि लोकसभा में और विधानसभा में जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाई तो किसने फ्रेम किया था दी आंसर इज कॉन्स्टिटेंट असम्बली ने ओकेटेंट असम्बली नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया इज कंसिडर्ड एज ए डेमोक्रेट एज ए रिपब्लिक मेनली बिकॉज तो रिपब्लिक किस वजह से बोला जाता है इंडिया को द आंसर इज दफ़ दट इज इलेक्टेड ओके तो यहाँ पे जो हमारा हेड ऑफ दट है वो इलेक्शन elect, के uh, बाद सेलेक्ट किया जाता है तो इसलिए जो है इंडिया एक रिपब्लिक है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रॉट इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन ओके तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन क्या थी उस समय ए सोवन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो उस समय जो इंडिया था एक इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए एक सोवन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओके तो आज़ाद भी है इंडिया और डेमोक्रेसी भी है यहाँ पे और एक रिपब्लिक भी है क्योंकि यहाँ का जो हमारा हेड है हेड ऑफ़ द स्टेट है वो इलेक्टेड है नेक्स्ट क्वेश्चन विच रिट इज़ इशूड बाय ए हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू कंपेल एन अथॉरिटी टू परफॉर्म ए फंक्शन दैट इट हैज़ नॉट परफॉर्मिंग दैट इट नॉट परफॉर्मिंग ओके जब कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक रिट इशू करती है कि आप अपना काम को पूरा करें ओके okay? तो वो कौन सी रेट होती है द आंसर इज रेट ऑफ मैंडमस ओके मैंडमस बोलते हैं उसको तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये हाई कोर्ट भी इशू कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकती है तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो वो कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है द आंसर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डी पी एस पी नेक्स्ट क्वेश्चन वट कैन बी इशूड बाय ए कोर्ट फॉर एन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट तो फंडामेंटल राइट्स के एन्फोर्समेंट के लिए एक जो अदालत है वो क्या इशू कर सकती है द आंसर इज रेट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू वट एज ऑफ दिल्ड्रेन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन तो डी पी एस पी के अंडर तो कितने साल के बच्चों को फ्री जो और आ, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना जरूरी है दी आंसर इज़ फोर्टीन ईयर्स चौदह साल के बच्चे के लिए फ्री एजुकेशन होगी नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म सेकुलर वाज एडेड इन दी प्रीएम्बल टू दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय तो सेकुलर टर्म जो है वो कब ऐड की गई थी दी आंसर इज़ विद फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट ओके बयालीसवीं अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में जो है ये टर्म ऐड की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन विच रिट और ऑर्डर ऑफ़ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज सॉट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वेश्च तो अगर जो छोटी अथॉरिटी का किसी का कोई ऑर्डर है उसको क्वेश करने के लिए उसको ख़त्म करने के लिए कौन सी रिट इशू की जाती है दी आंसर इज सरश्योरी ओके सरश्योरी नेक्स्ट क्वेश्चन सिविल इक्वालिटी एम्प्लाईज सिविल इक्वालिटी क्या है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ओके इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को सिविल इक्वलिटी भी बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन पार्लिमेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ ए स्टेट बाई तो किस का कैसे एक हमारी पार्लियामेंट जो है किसी भी एरिया की बाउंड्री को री नेम कर सकते हैं या रीडिफाइन कर सकते हैं दी आंसर इज़ ए सिंपल मेजोरिटी तो सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी से जो है उनको जो बिल पास करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ दोर्स ऑफ पोलिटिकल पावर इन इंडिया तो पोलिटिकल पावर का सोर्स क्या है इंडिया में दैट इज़ द पीपल। ओके लोग जो हैं इंडिया के वो पावर का सोर्स है नेक्स्ट क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटेड बाय इट थ्रू तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कैसे गारंटी गरेंट किए जाते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज़ तो आर्टिकल थर्टी टू जो है उसमें आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज़ जिसका मतलब है कि कोई भी इंसान जिसका फंडामेंटल राइट right को अगर कोई ओवरकम करता है तो वो सीधे डायरेक्टली जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच रिट इज़ इशूड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वेन ए पर्सन इज शॉट टू प्रोड्यूस इन दी कोर्ट सस्पेक्टेड टू बी मिसिंग इन कस्टडी ओके तो वो कौन सी रिट है जिसके अंडर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि इस बंदे को जो है कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए द आंसर इज हेबस कॉर्पस ओके हेबस कॉर्पस नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इकोनॉमिक जस्टिस बीन प्रोवाइडेड एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव तो वो कहाँ पे हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है द आंसर इज इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइज माइनॉरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे माइनॉरिटी को रिकोगनाइज करता है द आंसर इज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप टू द टोटल पॉपुलेशन तो, तो, तो टोटल पॉपुलेशन में से कितनी परसेंटेज उस कम्युनिटी की पॉपुलेशन है तो उसके बेसिस पे कोई भी कम्युनिटी माइनॉरिटी है या मेजोरिटी okay. है वो जो है रिकोगनाइज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन ए रिट ऑफ मैंडमस कैन बी इशूड बाई द सुप्रीम कोर्ट टू तो एन ऑफिशियल टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी तो मैंडमस की रिट जो है वो किसी की भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को इशू की जा सकती है कि उसके काम को पूरा करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं दी आंसर इज इलेवन तो ग्यारह फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द राइट टू वोट इन इलेक्शन टू ए पार्लियामेंट इज़ ए तो राइट टू वोट जो क्या है दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो ये फंडामेंटल राइट right नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है नेक्स्ट क्वेश्चन दी फंडामेंटल राइट्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाई दस्टिट्यूशन ऑफ तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं दी आंसर इज यू एस एके यू एस ए के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स हमने बॉ किए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू ए रेट ऑफ हिबस कार्पस इज वेस्टेड इन तो कौन सी कोर्ट है जो हेबस कॉर्पस इशू कर सकती है बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको देखना जरूरी है, है। कि हर तरह से आप उसको सॉल्व कर पाए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर इशूड बाय तो कौन इशू करता है फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स को सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें डाउट हो सकता है आपको क्योंकि रिट्स जो हैं जो आ, आ, मतलब क्या है कि अगर हाँ अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो उसके लिए जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट ही इशू करेगा ओके बाकी कामों के लिए जो है हाई कोर्ट भी कुछ रिट्स जो है इशू कर सकता है तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन आर तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है नॉन एनफोर्सिबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ तो इसके लिए हम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते जैसे फंडामेंटल राइट्स हमें वायलेट होते हैं तो हम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं बट अगर हमारा डीपीएसपी uh, पी का कोई भी जो आर्टिकल uh, है उसको वायलेट करता है कोई तो उसके लिए हम डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते नेक्स्ट क्वेश्चन राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ़ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ कब रिमूव किया गया मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम पे ओके राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ से ख़त्म किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दी डी पी एस पी ओके कौन से पार्ट में आता है डी पी एस पी दैट इज़ पार्ट फोर ओके पार्ट फोर में आता है डी पी एस पी नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाई द सुप्रीम कोर्ट तो एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो कितने टाइप की रिट्स इशू कर सकती है द आंसर इज फाइव तो पाँच तरह की रिट्स जो है इशू कर सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन दी प्रियम्बल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज तो प्रीएम्बल में इंडिया को किस तरीके से डिफाइन किया गया है सोवन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओके तो ये पाँचों वर्ड आपको याद रखना है सोशल सोवन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट अनोमरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो गार्जियन किसको बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स का दैट इज सुप्रीम कोर्ट ओके सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स तो फंडामेंटल राइट्स जो है किस कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के दैट इज इन पार्ट नंबर थ्री थ्री में है फंडामेंटल राइट्स फोर्थ में है डी पी एस पी नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेंट ऑफ पीपल मीन्स कंसेंट ऑफ दंसर इज मेजोरिटी ऑफ पीपल ओके तो लोगों का कंसेंट ही मेजोरिटी ऑफ पीपल का कंसेंट माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज अडोप्टड फ्रॉम दी तो ये लास्ट क्वेश्चन है कहाँ से लिया गया है डी पी एस पी दी आंसर इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है डी पी एस पी तो ये थे हमारे आज के फिफ्टी क्वेश्चन तो फर्स्ट पार्ट था हमारा इंडियन पॉलिटी का आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ओके okay? और इसके बारे में कमेंट्स आप जरूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो आपको और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमें आप फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे और हमारे चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को टेलीग्राम पे ओके तो नेक्स्ट हम मिलेंगे पार्ट नंबर टू में तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू